ताजा मामला खिलसा प्रखंड क्षेत्र के कोरामा पंचायत के मुरलीगढ़ गांव का है, जहां पर आग लगा नहीं बल्कि शरारती तत्वों के द्वारा आग लगाया गया है, वह भी एक किराना दुकान में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं किराना दुकान के संचालक। क्या नाम है आपका? राजकुमार प्रसाद। बताइए, आपके किराना दुकान के बाहर दरवाजे पर आग लगने की घटना है। कहा जाता है कि पुआल है, पुआल रखा हुआ है, आग उसमें आग लगा हुआ है। क्या कैसे आपको जानकारी मिला थी आग लगा? बिना सवेरे हम दुकान खोले तो देखते हैं सब जला हुआ है, मतलब किमारी है, जो भीतर नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, आग लगा के शरारती तत्व ने छोड़कर चले गए। हाँ, बच गया, सिर्फ दरवाजा ही जलकर रहा। हाँ, दरवाजा ही जलकर रहा। तो क्या लगता है कि इस जलाने के पीछे क्या मामला है? अपना जमीन हम भर रहे थे इसी गांव में। हाँ, इसी गांव में नल जल के पानी गिरता था। अच्छा। उसका विरोध लग कर रहा था कि हम पानी बंद कर देंगे या न देंगे। उसके घटना हो, उसके बाद घटना यही किया है, जो घटना वही लोग, उम्मीद है कि वही लोग, हाँ वही लोग किया है। इस घटना की सूचना स्थानीय थाना पुलिस को दी है? हाँ, दिए हैं, तो करके आके देखेंगे। वही वो जी बोला, फोन किया गया थाना पुलिस, फोन के माध्यम से जानकारी दी है। हाँ, तो बाकी कहने के आके देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आग लगने की घटना में बाल बाल बच के किस तरह आग मिस गया? जी हाँ, आग अपने आप में बिछ गया है, बिना सवेरे तो खोलते हैं तो। किस तरह की घटना ज्यादा विकराल नहीं हुई? हाँ, अगले आदमी के जान से मारने की साजिश थी। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि घर में कौन कौन रहता है? जी, दो आदमी रहते थे हम लोग, तीन आदमी थे, एक भाई था, दो को बूढ़ा बूढ़ी हैं। अच्छा। हाँ, तो क्या उसमें घर में, मतलब क्या उम्मीद से लगाया गया कि दुकान में आग लगाना है या घर को लगाना है? लोग पूरा घर के जलाने की साजिश था, बाकी जो बच गया भाग से भी सवेरे उठते थे, देखते हैं आग लगा थी, बुझा हुआ है। क्या लगता है, क्या मामला? हमें लगता है कि जो आदमी विरोध में हमारे हैं, वो हमारे पूरे घर को जला देने और पूरे आदमी को मार देने की साजिश थी। बहुत बड़ा साजिश था। ये पानी गिरता था ना, पानी गिरता था, पानी साजिश के तहत ही आग लगाया। हाँ, साजिश के तहत लगाया गया है, जान बूझ के लगाया गया है, जान से मार देने, पूरे घर को जला देने की साजिश थी। अगला आदमी बहुत बड़ा क्राइम किया है हमारे साथ, बच गए हम लोग, किस्मत ऊपर वाले का, भगवान का मैंने दया था कि बच गए हम लोग, नहीं तो हम लोग बचते नहीं, रोहा रहते। मेन मामला वही है कि जमीन में मिट्टी भर रहे। हाँ, मिट्टी भर रहे, कुछ लोग विरोध में हैं। अब विरोध में है तो विरोध में एक दो को नहीं है, बहुत सारे हैं, किसको हम कहें कि वो विरोध में, वो विरोध में है, लेकिन है कि कोई ना कोई किया है, गांव वाले ही किया है और विरोध में ही किया है और जानबूझ के किया है। बिल्कुल मार देने की साजिश थी, घर को पूरे बर्बाद कर देने की साजिश। तो इस तरह देख सकते हैं कि मुरलीगढ़ गाँव में एक घर है और एक घर में दुकान चलता है। ग्रामीण क्षेत्र में किराना का दुकान है, जहाँ उसी से जीव उपार्जन करते हैं। एक ही परिवार के सदस्य के तीन लोग इस घर में रात्रि में मौजूद थे। सुबह जब दुकान खोलने आए तो देखे कि दरवाजा पर नेवारी के पुंज का जो गठरी रहता वही लगा दिया गया था। दरवाजा काफी जल चुका है, हालांकि दुकान के अंदर आग प्रवेश नहीं किया, जिसके कारण बाल बाल बच गए लोग। अंदर स्कूटी था, उससे बड़ी भयावह घटना हो सकता था, लेकिन यह कुदरत का मेहरबानी कहे या कि और, ये बड़ी घटना घटने से बच गया है। फिलहाल शरारती तत्वों ने यह क्यों किया, कैसे किया, इसका खुलासा नहीं हुआ है। इन लोगों का कहना है कि स्थानीय पुलिस को इसकी खबर की है, पुलिस आएगी, जांच पड़ताल करेगी, तभी पता चल पाएगा कि आखिरकार क्यों किया गया है।